सो दोस्तों, हमारी सीसीटीवी के लिए जो सॉल्यूशन हम लोगों ने दिए उस प्लेलिस्ट पर, उन वीडियोस पर बहुत से लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि प्रॉब्लम ये आता है कि भाई कैमरे हमारे कुछ इस तरह लाइनिंग आ जाती है कैमरास के ऊपर, वीडियो क्लियर नहीं आता। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि भाई उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो उस पर भी हम लोगों ने वीडियो दिए हुए। लेकिन जो एक 99% लोगों के क्वेश्चन पीसी पर आ रहे हैं कि भाई इस तरह के प्रॉब्लम क्यों होते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम का जो रूट कॉज होता है, जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो होता है पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का। अगर इलेक्ट्रिकल पावर आपके डिवाइसेस को सही नहीं मिल रहा है तो आपके डिवाइसेस प्रॉपर काम नहीं करेंगे। आपका 8 चैनल का DVR है, उसे 2 एम्पेयर का पावर चाहिए और उसे 1.2-1.3 ही पावर मिल रहा है तो वो नहीं चलेगा। उसे 12 वोल्ट का पावर चाहिए और उसे 10 के नीचे पावर मिल रहा है तो वो नहीं चलेगा, सही तरीके से काम नहीं करेगा। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि रात में उनकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है DVR की। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है पावर से रिलेटेड है, तो पावर को कैसे चेक करेंगे वो आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाने वाला है। और इस पावर सप्लाई के अंदर सेटिंग भी होती है पावर को कम ज़्यादा करने की, तो वो भी एक एडवांटेजेस है कि अगर आपके SMPS में कम आ रहा है पावर तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। आपका जो DVR के साथ जो अडाप्टर आता है उस पर कितने वोल्ट कितने एम्पेयर लिखा होता है और उसमें से कितने वोल्ट करंट आ रहा है, कितने एम्पेयर आ रहा है, ये आपको पता करना होता है। आप उसे पता कर सकते हो सिंपली मल्टीमीटर से, आप उसे पता कर सकते हो, आपको वो बताया जाएगा इस वीडियो में। अगर आप कोई नया अडाप्टर लेकर आए हो, आपका अडाप्टर आपका जल गया है DVR का और उसी से कंपेटेबल आपने अडाप्टर ला लिया हो लेकिन उस पर लिखा हुआ कुछ और है और उसमें एक्चुअल वोल्टेज कुछ और आ रहे हैं, तो आपके DVR को वो कंपेटेबल नहीं रहेगा, सही तरीके से काम नहीं होगा, रिकॉर्डिंग रुक जाएगी या कैमरों पे क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़, इस तरह के जो पावर सप्लाईज होते हैं जो कैमरा को पावर सप्लाई करते हैं, इन पावर सप्लाई में भी वोल्टेज कम होने की वजह से कैमरास पर लाइनिंग आती है, तो इनमें कितने वोल्टेज आना चाहिए और कितने वोल्टेज कैमरे के लिए लगते हैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च, मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियोज की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। टेक्निकल आर्टिकल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट technosearch.in को भी चेक कर सकते हो। अगर टेक्नो सर्च के वीडियो से आपके काम आसान होते हो तो आप टेक्नो सर्च को सपोर्ट करने के लिए कुछ डोनेशन कर सकते हो, डोनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले DVR के जो अडाप्टर होते हैं या CCTV का जो SMPS है वो सही पावर दे रहा है या नहीं दे रहा है, कितना पावर लगता है एक कैमरे को चलने के लिए और कितना पावर आ रहा है आपके DVR के अडाप्टर में या SMPS में। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए, बहुत सी मार्केट में जो अडाप्टर्स होते हैं, जो नॉर्मली अडाप्टर्स होते हैं, तो उन अडाप्टर्स पे क्या लिखा होता है, 2 एम्पेयर लिखा होता है, 3 एम्पेयर लिखा होता है, 5 एम्पेयर लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली उसमें उतने वोल्टेज आते हैं या नहीं आते ये किसी को नहीं पता, बहुत कम लोग उसे टेस्ट करते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो आप अडाप्टर देख रहे हो, ये 12 वोल्ट 1.5 एम्पेयर का ओरिजिनल अडाप्टर है हिकविजन या CP+ DVR के साथ जो आता है। मोस्टली DVR को 2 एम्पेयर का अडाप्टर लगाने के लिए बोलते हैं, जो 4 चैनल का DVR होता है या 8 चैनल का, तो ये 1.5 एम्पेयर का ही अडाप्टर है। तो इसे कैसे चेक करेंगे, उसे चेक करने के लिए आपके पास सबसे पहले ये चीज़ होना चाहिए, ये है मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। इसे आप वोल्टेजेस, अर्थिंग और बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। अगर आप एक टेक्नीशियन हो तो आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक करोगे। तो सबसे पहले हम इस अडाप्टर को लगा देते हैं यहाँ पर पावर पिन में, जहाँ से पावर इसे मिलेगा, और इसकी ये जो पिन है ये हमारे हाथ में है। अब यहाँ पे आपको जो ये जो दो वायर आप देख रहे हो, ये वायर जो है आपका ये कॉमन में लगता है ब्लैक वाला वायर, और जब भी आप वोल्ट चेक कर रहे हो तो आपका ये जो रेड वाला वायर है, ये जो रेड वाला वायर है ये आपका ये वी वाले वी जहाँ पे लिखा होता है, VMA जहाँ पे लिखा होता है, ओम्स जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पर लगता है। तो ये दोनों पिनों को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि जो 12 वोल्ट का अडाप्टर है तो 12 वोल्ट के बजाय आपको यहाँ पे 20 वोल्ट मिलेगा, जो कि ज़्यादा है 12 वोल्ट से, तो आपको उस पर सेट कर देना है। वी वाले ऑप्शन में सेक्शन में जाके आपको 20 वोल्ट पे सेट कर देना है आपके मीटर को। मैं यहाँ पे मीटर को कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ, मीटर की रीडिंग आपको क्लियरली दिखाई दे। अब इसमें जो रेड वाला वायर ये है आपका फेज का होता है और ये वाला न्यूट्रल होता है, तो जो फेज होता है उसे मोस्टली प्लस कहते हैं। फेज वाली पिन को हम अडाप्टर के अंदर के हिस्से में डालेंगे और जो न्यूट्रल वाली पिन है उसे हम ऊपर के हिस्से में लगाएंगे। तो आप देख रहे हो 12.5-12.6 हमें यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब ये अडाप्टर के अंदर पूरे पूरे वोल्टेज आ रहे हैं। अगर आपका DVR का प्रॉब्लम आ रहा है, आपके DVR में रिकॉर्डिंग रुक रही है, आपका DVR हैंग हो जाता है या आपका DVR पे वीडियो सही से नहीं दिखते, तो आप उसके अडाप्टर के एक बार वोल्टेज चेक कर ले। अगर वो 10 वोल्ट आ रहा है या 10.5 आ रहा है या 11 आ रहा है, मतलब वो बहुत ही कम वोल्टेज दे रहा है, जिसकी वजह से आपके DVR को प्रॉपर पावर नहीं मिल रहा है।
अब मैं आपको एक दूसरा अडाप्टर लेकर बता रहा हूँ, ये वाला अडाप्टर जो कि 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का अडाप्टर है, 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का अडाप्टर है, जो कि मोस्टली बायोमेट्रिक के लिए यूज़ होता है। तो बायोमेट्रिक मशीन में भी कभी कभी प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क कनेक्ट नहीं होता है और बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं, जो कि पावर अडाप्टर का भी उसमें रीज़न हो सकता है, या मशीन हैंग हो जाती है, डेटा उसमें से ट्रांसफ़र नहीं होता। तो हम यहाँ पे इस अडाप्टर को भी चेक कर लेते हैं। प्लस वाले पिन को हमने अंदर डाला है अडाप्टर के, और जो माइनस वाली पिन है या जो न्यूट्रल है उसे हमने बाहर रखा है। तो आप देख रहे हो मीटर रीडिंग जो आ रहा है मल्टीमीटर पे, वो 5.89 आ रहा है, मतलब इसमें 6 वोल्ट का पावर आ रहा है, 6 वोल्ट का पावर ये कंज्यूम कर रहा है। तो ये यहाँ पर ये अडाप्टर भी हमारे पास सही है, मतलब ये सही तरीके से बायोमेट्रिक को चला सकता है ये अडाप्टर। अब इसके बाद हम चेक करते हैं जो CP प्लस का हमारे पास SNPS है, उसे हम टेस्ट करेंगे। ये 12 वोल्ट 10 एम्पेयर का SNPS है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ है 12 वोल्ट 10 एम्पेयर पावर सप्लाई, उसका मॉडल नंबर दिया हुआ है। और इस पावर सप्लाई के अंदर सेटिंग भी होती है पावर को कम ज़्यादा करने की, तो वो भी एक एडवांटेजेस है कि अगर आपके SNPS में कम आ रहा है पावर तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हो CP प्लस का SNPS, इसके मैं आपको सबसे पहले पार्ट्स बता देता हूँ। जैसे कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो कनेक्शन है ये लाइन का कनेक्शन है, मतलब यहाँ पे आप फेज़ वाली वायर कनेक्ट करोगे प्लस वाली, और उसके बाजू का जो कनेक्शन है वो आप देख रहे हो यहाँ पे N लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो N लिखा हुआ है, 2 नंबर पे न्यूट्रल की केबल है, और उसके बाद अर्थिंग का आइकॉन बना हुआ है, तो 3 नंबर पे जो है अर्थिंग की केबल लगेंगी। ये तीनों भी जो वायर है ये सिंगल वायर से होते हुए, इसकी जो पिन है ये इसकी पिन है, ये पिन लगेंगी आपके बोर्ड में। तो मैं इस पिन को जो है तो यहाँ पे बोर्ड में लगा देता हूँ। सबसे पहले बोर्ड में लगाते ही आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी लाइट आ चुकी है। अब ये लाइट आने के बाद यहाँ पर जो आपके पास 4 पॉइंट बचते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, ये आपके पास 4 पॉइंट बचते हैं। इसमें से जो आपके इस साइड के जो पॉइंट है 1 और 2, ये दोनों भी फेज़ वाले हैं, जिसमें आप प्लस की वायर लगाओगे कैमरा साइड से जो आ रही है प्लस की, और इस साइड के जो 2 है 3 और 4, इसमें आप माइनस की केबल लगाओगे, मतलब कॉमन की केबल लगाओगे। तो अभी हमें चेक करना है कि भाई कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। अगर ये 10 एम्पेयर का SNPS है तो इस पर 8 कैमरे चलना चाहिए। ऑन एन एवरेज एक कैमरे को 1.25 और 1.30 एम्पेयर लगता है नाइट टाइम में। डे टाइम में 1 एम्पेयर तक भी कैमरा चल जाता है। एक नॉर्मल कैमरे की बात कर रहा हूँ, जो 3.6 mm लेंस का कैमरा होता है, 20 मीटर 30 मीटर कवर करता है। अगर आप 50 मीटर वाला कैमरा लगा रहे हो तो उसे 2 एम्पेयर तक भी पावर लग सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा लगा रहे हो तो और ज़्यादा पावर लग सकता है। तो जो नॉर्मली कैमरे लगते हैं हमारे पास, डोम कैमरे, बुलेट कैमरे 20 मीटर वाले, वो कैमरे 10 एम्पेयर में वैसे 8 कैमरे चल जाते हैं। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि भाई 12 वोल्ट इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे पूरे पूरे। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर को ऊपर रख लेते हैं, और जो प्लस वाली केबल है वो हम प्लस में लगाएंगे, माइनस वाली को माइनस में लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका प्लस है, पहला वाला प्लस, और यहाँ पर इसका माइनस है, जो पहला वाला माइनस है मैं उस पर लगाता हूँ। तो यहाँ पे 12.2 वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब सही है। 12 भी हो जाते तो सही होता, 12.5 भी हो जाते तो सही होता। उसके बाद मैं इसे इधर से निकालता हूँ, दूसरी पिन में लगाता हूँ, तो यहाँ पर भी 12.2 आ रहा है। तो यहाँ पर जो आउटपुट निकल रहा है SNPS से, वो सही निकल रहा है। अब अगर आपके पास अगर आउटपुट कम आता, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो पिन लगा रहे हैं प्लस और माइनस में, यहाँ पर 12 की जगह आपको 11 मिलता या 10 मिलता, 10.5 मिलता, तो आप उसे बढ़ा सकते हो इस SNPS में सेटिंग करके। आप इस साइड जो एक बटन देख रहे हो, आपको इस तरह का एक बटन दिख रहा है जिससे आप इसको ड्राइवर से मतलब घुमा सकते हो। तो देखिए जैसे मैं घुमा रहा हूँ वैसे वैसे वोल्टेज कम हो रहे हैं, जो वोल्ट है वो यहाँ पर कम हो रहे हैं, और सबसे कम जो यहाँ पर मिल रहा है 11.81 मिल रहा है। अगर आपको ये मिल रहा होता तो आपको बढ़ाना होता, तो आप उसे इस तरीके से घुमाकर, स्क्रू ड्राइवर से उसे घुमाकर आप बढ़ा सकते। और आप नोटिस कर रहे हो जैसे मैं इसके वोल्टेजेस बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर एक धीमी सी आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ जो है ये कैपेसिटर की आवाज़ है, तो ये कैपेसिटर की आवाज़ है। इस तरह की आवाज़ निकलती है कैपेसिटर में, और बहुत से टाइम ज़्यादा करंट आने की वजह से कैपेसिटर फूट भी जाते हैं, तो एक लाइफ होती है उसके बाद ये कैपेसिटर फूट जाते हैं। तो जो मैंने अभी इसे मैक्सिमम सेटिंग पे कर दिया, तो यहाँ पे 13.5 वोल्ट आ रहा है। तो मोस्टली हमें ये चाहिए जो नॉर्मल वोल्टेज है इसका 12.5 या 12 पॉइंट तक हमें चाहिए, 12 वोल्ट हमें चाहिए। तो हम इसे 12 पर सेट कर दे, देखो 12 पर कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब 12 पर ये स्मूथली चल रहा है। अगर 12 से ज़्यादा ले जाते हो तो कैपेसिटर पर ज़्यादा लोड आ रहा है और आवाज़ कर रहे हैं।
तो आप ये चेक करें, ज़रूर चेक करें, अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, कैमरे में लाइनिंग आ रही है और कैमरे आपके डिस्प्ले आता जाता रहता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आप पहले वोल्टेज चेक करें। अगर वोल्टेज सही नहीं हो SMPS का, तो SMPS को बदल कर देखें, या फिर आप वोल्टेज चेक करने के लिए UPS लगा कर देखें, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो होप सो फ्रेंड, आप लोग समझ गए होंगे कैसे चेक किया जाता है, वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है, कैमरे के DVR के अडाप्टर का, बायोमेट्रिक के अडाप्टर का, CCTV के पावर सप्लाई का। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई वो आपके ज़रूर काम आएंगी। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज भी कर सकते हो, आपके कमेंट्स और मैसेजेस का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट उस टॉपिक पर आते हैं जिस पर ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं। कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, आप एक बार आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर ले। अगर आप CCTV से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हो तो CCTV की प्लेलिस्ट को चेक कर ले, उसमें शायद आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाए, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बायोमेट्रिक से रिलेटेड कोई सोल्यूशन चाहते हो तो बायोमेट्रिक की प्लेलिस्ट को चेक कर ले। तो ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उस प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।